अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं बड़ीला शरीफ जो जलालपुर जट्टा से 10-20 मिनट की ड्राइव पे है। हम खारियां वाली साइड से जा रहे हैं क्योंकि मुझे खारियां काम था, जिस वजह से हम खारियां वाली साइड से फतेहपुर से आगे जा रहे हैं। तो वैसे तो आप अगर आना चाहें तो गुजरात से आपको सीधा रास्ता मिलता है, मैं इधर लोकेशन मेंशन कर देता हूँ, बहुत इजी रास्ता है। या सियालकोट से भी आता है हेड मराला वाली साइड से। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रुस्लान सरदार, आज मैं आया हूँ बड़ीला शरीफ। ये है जलालपुर जट्टा से कोई 20 मिनट की ड्राइव पे। तो यहाँ पे है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो बाहर में बैठे थे, हज़रत कंबीत अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र है जो वहाँ से शुरू होती है और इस तरफ यहाँ तक आती है, वो सामने तक। बाकी लेंथ जो है उसके अंदर कन्फर्म लेंथ, वो हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बाबे हज़रत उनके बेटे का नाम है कंबीत अलैहिस्सलाम, इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये उनके बेटे की कब्र है। तो चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं, ये कुछ दूसरी कब्र, असल कब्र यहाँ से जी, यहाँ से शुरू होती है और वो वहाँ तक चलती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो हम इधर मेंशन उन्होंने की होगी तो आपको दिखाते हैं। ये इसका मिडल आ गया कब्र का, चलें जी आगे चलते हैं। तो जब भी कब्र पे आए दुरूद शरीफ वगैरह सूरत फातिहा वगैरह लाजमी पढ़ें असाले सवाब के लिए। यहाँ से भी स्टार्ट होती है कब्र, वहाँ से शुरू होकर लास्ट पीछे तक आपको दिखाई देगी। कब्र की जो लंबाई है इन्होंने कहीं मेंशन नहीं की, मैंने ना देखी है। तो ऐसा करते हैं मेरे मोबाइल में है मेजरमेंट करने वाला, उसके थ्रू आप इसकी मेजरमेंट करके देखते हैं कितनी है जी। तो दोस्तों जो मेरे पास कब्र की लेंथ आई है वो है 245 फीट, लेकिन बाद में मैंने उधर से एक बंदे से पूछा तो उसने बोला था 72 गज़ जो है ना इसका साइज़ है कब्र का, इतनी हाइट के थे हज़रत कंबीत अलैहिस्सलाम, लेकिन उसको कन्वर्ट करें तो 210 फुट बनता है वो। तो अब हम जा रहे हैं वापस की तरफ, ये सीधा जाएगा सोबतियाँ जलालपुर सोबतियाँ कोटले की तरफ, वहीं से हम निकल जाएंगे गुजरांवाला की तरफ। तो जाने से पहले पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।